बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल फिट फाट हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो रमज़ान के महीने में ये चटनी जो है वो तकरीबन हर घर में बनती है, हर घर की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने सोचा तो क्यों ना मैं रमज़ान अल मुबारक की रेसिपी का आगाज़ जो है वो चटनियों से शुरू करूँ। इसलिए आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इमली और आलू बुखारे की चटनी, जिसके लिए मैंने तकरीबन 100 ग्राम जो है वो इमली ली है और 100 ग्राम जो है वो आलू बुखारा लिया है। इसको मैं तकरीबन 2 तवा पानी डालते हुए इसको सोत कर लूँगी पूरी रात। इसको इस तरह से तवर करते इसको ढांपते रख देना है पूरी रात, ये भीगा रहेगा। अब हम चटनी तैयार कर लेंगे। इमली और आलू बुखारे का दिए देखिए पल्प तैयार हो गया है। इसमें से मैंने गुठलियाँ जो हैं वो अलहदा कर ली हैं और इस तरह ये सॉस तैयार हो गया है। अब हम चटनी बनाने की तरफ चलते हैं। चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनमें तकरीबन 4 चम्मच मैंने चीनी ली है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून जो है वो दड़ा मिर्च ली है जिसे चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, और 1/4 टीस्पून जो है वह सूंड का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून जो है इसमें नमक इस्तेमाल होता। आप चीनी तो जगह पे गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले पैन में पल्प डाल दें थे और चूल्हे की आँच जो है वो आपने स्लो रखनी है। साथ इसमें शामिल कर दें तो ये सारे ड्राई मसाले और इसको करें तो अच्छे से मिक्स। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अभी तक हमने इसमें चीनी शामिल नहीं थी, चीनी जो है वह बिल्कुल एंड पे इस्तेमाल होगी। इस तरह बनाने से चटनी जो है वो 2 से 3 महीने जो है वो स्टोर करके रखी जा सकती है। इमली और आलू बुखारे का पानी जो है वह बिल्कुल ड्राई हो जाए फिर इसमें चीनी शामिल करेंगे। देखिए जी, यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इमली और आलू बुखारे का प्लम पकते हुए। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देते, चीनी तो जगह पर आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको करें तो अच्छे से मिक्स और अब चीनी का पानी ड्राई होने तक चटनी को अच्छे से पका लेंगे। और इस पॉइंट पर आप इसमें 1 चम्मच जो है वो ऑयल का भी शामिल कर सकते हैं। इससे चटनी जो है वो बहुत शाइनी तैयार होगी और देखने में अच्छी लगेगी। खाने में तो है ही मज़ेदार और चटखारेदार चटनी। ये चटनी आप समोसे के साथ, रोल्स के साथ और जितने भी फ्राई आइटम्स हैं उनके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तो बहुत ही मज़ा आने वाला है रमज़ान शरीफ में। और इसके अलावा ये चटनी जो है वह आप दही बड़ों, दही भल्लों और चना चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार ये चटनी बनाइए और एयर टाइट बोतल में भर कर इसको रख लीजिए और पूरा मंथ ये चटनी जो है वो ख़राब नहीं होगी। सिर्फ आपने करना ये है तो जब भी चटनी को इस्तेमाल करना है तो इसमें आपने खुशक चम्मच जो है वो इस्तेमाल करना है, गीला चम्मच जो है वो इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। लीजिए जनाब, यहाँ पर पानी हो गया है चटनी का बिल्कुल ड्राई और चटनी हो गया हमारी तैयार। इसे अब हम ठंडा होने दें तो और फिर इसे हम एयर टाइट बोतल में भर कर तो इसको फ्रिज में रख लें। तो उम्मीद करती हूँ तो आप तो मेरी आज की रेसिपी और रमज़ान स्पेशल चटनी जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और काइंडली जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी।